किशोर जी, ये कैसा सीमेंटेड इंडिया है? अभी राहुल गांधी उपचुनाव के नतीजे जो आ जाए उन पर तो गदगद है। राहुल गांधी ने कहा इंडिया ब्लॉक की जीत है, पूरा देश इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र नहीं खड़ा क्या इंडिया ब्लॉक के साथ? यहां इस सीमेंटेड दिखने के बजाय क्यों फ्रैक्चर्ड दिखे आप? बहुत मैं बता रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र में अभी भी वॉशिंग मशीन बहुत एक्टिव है। अभी आपने देखा अशोक चौहान बरी हो गए, अजीत पवार बरी हो गए, लेकिन अशोक चौहान जब गए थे तो उनके साथ उनके करीबी 5 विधायक साथ में ही गए थे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी और वो चुनाव में प्रचार भी बीजेपी का ही कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी बीजेपी में चले गए, उनके करीबी जो है वो अजीत पवार के साथ थे। तो ये तय हो गया था कि 7 लोग नहीं रहेंगे और बचे हुए 8 वोट थे वो उन्होंने कह दिया था राहुल जी ने कि हम मिलिंद नार्वेकर को देंगे और वैसे उन्होंने दिए। अब मुझे एक बताइए, बीजेपी के पास ऐसे ही 9 विधायक जीतने के लिए थे, यानी महायुति के पास, और गरिमा जी उसके बावजूद भी इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए दिए। अरे मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। जब ये 9 सीटें चुन के आने वाली थी और 2 सीटें किसी भी प्रकार से हमारी आने वाली थी, तो इन्होंने उसके बावजूद वही तंत्र अपनाया जिसको लोगों ने नकारा है। देवेंद्र फडणवीस से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ तो आदर्श की राजनीति करो। मैं बता रहा हूं कि ये गद्दार एमएलए का ऐसा कल्चर हमारे यहां नहीं था। कौन किस दरवाजे से जाता है और किस दरवाजे से बाहर निकलता है ये मालूम ही नहीं पड़ता। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि आप देखिए 4 वोट ज्यादा मिले अजीत पवार को, 6 वोट ज्यादा ले लिए एकनाथ शिंदे ने और 2 वोट ज्यादा ले लिए हमारे बीजेपी वाले ने। और मुझे ऐसा लगता है ये जनता जानती है ना, जनता जानती है। लेकिन आपको मैं एक बता रहा हूं, मैंने नाना पटोले को भी सुना, हम 225 आ रहे हैं। 225 ऐसे नहीं आते, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में तुम्हें कार्यक्रम देना पड़ेगा और बीजेपी को हराना उतना सहज नहीं है क्योंकि किशोर जी सेल्फ गोल कर गए क्या आप? आपने कहा महाराष्ट्र में वॉशिंग मशीन बड़ी एक्टिव है, लेकिन ये जो टूट कर गए, इन्होंने वोट किया अजीत पवार के कैंडिडेट को, यहां अजीत पवार से इंधमारी करने में कामयाब हो गए। देखिए पैसा पैसा एक ही सोर्स से आता है, आप पैसा एक ही सोर्स से आता है और वो पैसा अडानी जी देते केवल बोलना पड़ता है, केवल बोलना पड़ता है। हमको हम 50 खोके की बात करते थे, अब मुझे वही विधायक बोलते 100 खोके तो पहले ही एडवांस में दिए। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की सत्ता इतनी खतरनाक मोड़ पे आ गई है कि हमको भावना जी जाके बताना पड़ेगा हर मतदार को कि ये जो चुनके तुम देते हो ये कितने गद्दार है। और लेकिन ये बर्बल है सारा खेल किशोर जी, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। अभी तुहिन सिन्हा कहेंगे कि बताइए क्या प्रूफ है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आरोप लगाया 20 करोड़ रुपए का, बाकायदा आतिशी जो मंत्री है दिल्ली की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया सबूत देने के नाम पर, 0/0। तो इस जबानी जमा खर्च है कि 5 करोड़ रुपए दे दिए, पैसा अडानी के यहां से आ रहा है। देखो गरिमा सिंह जी, मैं बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और लीगली मैं पूरा क्या पूरा जानता हूँ। ये जो चोर चोर मोतियार भाई के बंबई लूटने के लिए आए हैं, इनको महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएंगी, इतना ही कहता हूँ। लेकिन जो आदर्श हम निर्माण कर रहे हैं, तो चौगांव कर या मेरी बहन जो आई है मुरली, वो भी बताएगी कि महाराष्ट्र की राजनीति सबसे गंदे स्तर पे पहुंच गई है और सरकार तो बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा घटिया हो गई है। अगर ये बात भी ये नकारते हैं कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे हम आ चुके हैं तो ये गलत है। कल ये लोग 12 लोगों को नहीं खरीदते
तो मैं ये अभद्र भाषा नहीं बोलता। इन्होंने गलत किया, गलत किया यानी गलत किया। आदर्श तो आदर्श होते हैं, आपके पार्टी के लोग नहीं। आपको MIM चलता है, आपको CPM चलता है, आपको समाजवादी पार्टी चलती है, ये कैसा राजनीति है मुझे मालूम नहीं।